हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मास्ट। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों टीवी सीरियल झांसी की रानी तो आप सबने देखा होगा और इस सीरियल में नजर आने वाले कलाकारों ने इस सीरियल में जान डाल दी थी। इस सीरियल में मणिकर्णिका का किरदार दो आर्टिस्ट ने निभाया था। आज हम आपको छोटी मणिकर्णिका यानी कि मनु का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं, जो काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी हॉट स्टाइलिश हो गई है। बता दें कि मनु का किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री का नाम है उल्का गुप्ता। उल्का गुप्ता के अंदाज और अभिनय की हर एक ने जमकर सराहना की और उल्का का लुक अब काफी बदल चुका है, जिसे आप पहली नजर पर पहचान नहीं पाओगे। बता दें कि उल्का गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इन दिनों वो लगातार अपने हॉट और बोल्ड अंदाज को अपने फैंस के बीच शेयर करती हैं। उल्का गुप्ता को टीवी सीरियल झांसी की रानी से ही प्रसिद्धि मिली थी। वे अब बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि इस बात को लेकर अफवाह फैलाई भी जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उल्का गुप्ता को उनके सांवले रंग के चलते कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उनके सांवले कलर का फायदा भी मिला और इसी वजह से उन्हें सलोनी की बेटी सीरियल में काम करने को मिला था। इन दिनों उल्का सीरियल शक्तिपीठ के भैरव में नजर आ रही है। उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता गगन गुप्ता थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, जबकि उनकी बहन गोया गुप्ता एक्ट्रेस है। उल्का ने कहा कि उनके पिता उनके सबसे अच्छे दोस्त और गाइड हैं, कहा जाए तो वे उनके रोल मॉडल हैं। आपको बता दें कि उल्का जब 10 साल की थी तो उन्हें जी टीवी के सीरियल रेशम दान में देखा गया था और यही उनको पहला ब्रेक मिला था और इसके बाद उन्होंने सात फेरे, सवारी, सलोनी की बेटी जैसे सीरियल्स में काम किया। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया पर अनेकाना की काफी एक्टिव रहती हैं और काफी बोल्ड और जबरदस्त दिखने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको टीवी सीरियल झांसी की रानी में उल्का का किरदार कैसा लगा था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं एवरी के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।